जन्म विसर्जन तुम्ही विश्वकर्ता तुम्ही विश्व ज्योति में हे प्राण भरता तुम्ही काल के काल हो चक्रधारी स्वीकारो स्वयं बंधना अब हमारे कि जब तुम सब कह रहे हो और ठाकुर तुम तो जानते हो इस उम्र में हमारा ये पहला बच्चा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, कभी कभी बच्चों की डिलीवरी के वक्त ऐसी मुसीबतें पैदा हो जाती हैं कि दाइयां काम बनाने के बजाय बिगाड़ देती हैं। ठाकुर कभी कभी ऐसा भी होता है? हाँ हाँ, मगर अस्पताल में नहीं। बैठो बैठो। अस्पताल में? अरे तुम तो ऐसे डर गए जैसे ठाकुरायन के बजाय तुम्हें बच्चा होने वाला है। ठाकुर तुम भी। ठाकुर तुम तो जानते हो हम दोनों को बच्चे की कितनी आरसू थी। भगवान करे सब ठीक हो जाए। जसवंत घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठाकुर साहब जसवंत जसवंत नर्स तुम्हारा नाम पुकार रही है। अच्छा मैं हूँ ठाकुर जसवंत सिंह। मुबारक हो ठाकुर साहब, लड़का हुआ है। मुबारक हो ठाकुर। लड़का? ठाकुर लड़का हुआ? अरे ठाकुर लड़का मुबारक हो। नर्स ये माला ले। नहीं नहीं, आपको जो कुछ देना है वो चैरिटी बॉक्स में। अरे वो बक्सा तो मैं घर से भर के भेजूंगा। अच्छा अच्छा, अब ठाकुर से मिल सकते। वो मेरा बच्चा है? हाँ जी। मैं अभी नहीं। लड़का? हाँ ये भी लड़का है, 7 पाउंड का। कितना प्यारा बच्चा है, मगर बेचारे की माँ मर गई। ठकराएं लड़का मुबारक हो। भगवान ने हमारी सुनी तीर से मगर फल खूब बिठा दिया। वो मुझ पर गया या तुम पर? तुमने देखा उसे? अभी नहीं, नहलाने के बाद माँ के पास लाते। अच्छा।
फायर ब्रिगेड। स्टोर रूम में आग लगी है, जल्दी चलो। पानी पानी अरे पीछे जा पीछे। पानी पानी जसवान आगू। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे कोई जल्दी मेरा स्विच बंद करो। नर्स, नर्स। डॉक्टर, मेरा बच्चा कहाँ? डॉक्टर, मैं ठाकुर जसवंत सिंह हूँ डॉक्टर। नर्स, ठाकुर साहब को इनका बच्चा दी। डॉक्टर, मेरा बच्चा। जाइए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, छाट लूं? क्या छाट लूं? नर्स, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा खून चाहिए, मेरी जान चाहिए। मगर आपकी वजह से ये दोनों मिल गए। कुछ नहीं, ये कुत्ते बिल्ली के बच्चे नहीं जो खूबसूरत देखकर छाट लिए जाए। न किसी लावारिस की औलाद है, ठाकुर जसवंत सिंह का बच्चा। जाओ अपने इंचार्ज को बुलाकर लाओ, सारे अस्पताल को इकट्ठा करो। छाट का नहीं, जांच का पता मेरा बच्चा कौन है। जाओ जाओ। वो अभी तक बच्चे को लेकर नहीं आए। घबराओ नहीं भाभी, मैं अभी देख के आता हूं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ठाकुर साहब, दरअसल बात यह हुई कि इन बच्चों को आग से बचाने के लिए कोई इकट्ठे यहां छोड़ गया, और अब ये आपस में इस तरह मिल चुके हैं कि इनका पहचानना भी मुश्किल है। लेकिन इनकी नर्सें कहां मर गई थी? ठीक यही हुआ ठाकुर साहब, वो बेचारी भी मर गई। डॉक्टर, ये हमारे मरने जीने का सवाल है, ये बच्चों का मामला कोई खेल नहीं। डॉक्टर, मैं सब समझता हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर, डॉक्टर, ये बच्चा हम दोनों की जिंदगी का सहारा है, हमारे पुश्ते में चिराग का तेल है। कुछ भी करो डॉक्टर, कुछ भी करो, और यकीन के साथ बताओ इनमें कौन सा मेरा बच्चा है। क्या बात है जसवंत? ठाकुर, मैं लुट गया ठाकुर, देख लिया, अस्पताल में लाने का नतीजा। मगर हुआ क्या? आओ मेरे साथ। मेरा बच्चा दूसरे बच्चे के साथ मिला दिया गया, न कोई सबूत न निशान इसमें कौन सा मेरा है। इंसान के बच्चे जानवर के बच्चे बन गए। जरा से काम लो जसवंत। डॉक्टर, ये दूसरा बच्चा किसका है? वो तो रजिस्टर देखने से मालूम पड़ेगा ठाकुर साहब। तो चलिए ऑफिस चलते हैं। आओ जसवंत, घबराओ नहीं जसवंत, आओ आओ। ठाकुर, अरे इसमें तो लड़के के बाप का नाम ही नहीं है। ठाकुर साहब, ये बच्चा शहर की बहुत मशहूर नाचने वाली। क्या? नर्तकी का बच्चा? भगवान, भगवान तो नहीं ये क्या? हमने इस बच्चे के लिए क्या क्या मन्नतें नहीं मानी, यात्रा में कहां कहां की ठोकरे नहीं खाई। भगवान, ये तुमने क्या किया? यकीन मानिए ठाकुर साहब, अगर हमारे बस में कुछ होता तो हम जरूर आपकी मदद करते। ऐसी हालत में हम दोनों बच्चों को लिए जाते हैं। ठाकुर, मैं नर्तकी के बच्चे को अपने घर में नहीं ले जाऊंगा, मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। डॉक्टर, अगर देना है तो मुझे मेरा बच्चा दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे अस्पताल में हिला कर। जसवंत, अकल से काम लो। ठाकुर,
तुम समझते क्यों नहीं ठाकुर, तुम समझते क्यों? उनमें से एक बच्चा तुम्हारा है, अगर दूसरे बच्चे का वारिस आकर दोनों को ले गया तो जानते हो क्या होगा? कोयल का बच्चा कौए के घोंसले में पलेगा। नहीं डॉक्टर, हम दोनों बच्चों को लिए जाते हैं। किस्मत हो तो ऐसी हो, ले गए थे एक और लेके आए दो। सुना था ठाकुर, ऊपर वाला जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, मगर आज मालूम हुआ कि अस्पताल से भी मिलता है। कौन जाने मरने वाले की निशानी को अपनी ही समझकर उठा लाए हो। हो सकता है ठाकुर, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। अंधेरी रातों में किसी जाने वाले को भला कौन पहचान सकता है। ठाकुर बंद करो अपनी जबान, हर बात की हद होती है, मरे को मानना ये कहां का इंसाफ है? ये बेचारा खुद अपने दुख में मरा जा रहा है और तुम लोग इसके जख्म पर नमक छिड़क रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म हमें नहीं, इन्हें आनी चाहिए, नर्तकी के लड़के को घर में लाकर रखा है। लेकिन हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ उस समय तक के लिए जब तक ये नहीं मालूम हो जाता कि ठाकुर का कौन है और नर्तकी का कौन। लेकिन ठाकुर तुम ये भूल रहे हो, अगर घड़े में जहर की एक बूंद गिर जाए तो पानी के साथ घड़े को भी फेंक दिया जाता है। क्या तुम ये समझते हो कि नर्तकी का लड़का जिस घर में रहेगा बिरादरी वाले वहां रिश्ता जोड़ेंगे? मैं रिश्ता जोड़ूंगा। ठाकुर तुम? हाँ जसवंत, ये मेरी जबान है ठाकुर हरनाम सिंह की, अगर परमात्मा ने मुझे लड़की दी तो तुम्हारे ही घर बहू बनकर आएगी। ठाकुर लेकिन ठाकुर इनका कौन है ये कैसे मालूम होगा? काले बादलों में चांद ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता ठाकुर, एक दिन खून बोलेगा और जरूर बोलेगा। ये फैसला मैं करूंगा कि ठाकुर का कौन है और नाचने वाली का कौन। ठाकुर ठाकुर सच कहती हूँ बीबी जी, आप अगर मुझे अपना बच्चा दें तो उसको मैं अपना खून भी पिला दूं, इस पाप की गठरी को मैं हाथ भी ना लगाऊंगी। एक बच्चे की माँ नाचने वाली, उसमें उस बेचारे मासूम का क्या कसूर है? दुनिया हम पर उंगली उठाकर यही कहेगी ना कि हमने एक नाचने वाली के बच्चे को दूध पिलाया, फिर कौन हमें अपने घर में घुसने देगा? बीबी जी मेरी मानिए तो आप उसी मोहल्ले से दाइयां बुलवा लीजिए। तो मुझे उपदेश देने आई हो, चली जाओ सब यहाँ से, खड़ी क्यों हो, चली जाओ, निकल जाओ सब यहाँ से, निकल जाओ। ये सब दाइयां कहाँ जा रही हैं? जहन्नम में। क्या कह रही हो? उन्होंने बच्चों को दूध पिलाने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया सबने? तो अब क्या होगा? होगा क्या, मैं अपना दूध पिलाऊंगी दोनों को। नहीं नहीं रुक्मणी, ऐसा गजब ना कर बैठना। तो क्या चाहते हो, दोनों को भूख से मर जाने दो? नहीं नहीं, लेकिन कुछ और होना चाहिए, अगर तुमने ऐसा किया तो बड़ी जगहसाई होगी, कोई हमारे घर का पानी नहीं पिएगा, लोग हमसे दूर दूर रहेंगे। मगर क्यों? क्योंकि इनमें से एक नाचने वाली की औलाद है, जलील लावारिस। दूसरा उससे भी ज्यादा लावारिस हो जाएगा, जो हमारे सामने भूख से तड़प तड़प कर मरेगा। ठहरो रुक्मणी, मैं कोई और रास्ता निकालता हूँ, मैं और दाइयां बुलवाता हूँ। अब मुझे ना रोको, मुझसे नहीं रहा जाता। रुक्मणी रुक्मणी कल की तो सोचो रुक्मणी। तुम कल की सोचो, मैं तो आज की सोच रही हूँ। रुक्मणी रुक्मणी तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया रुक्मणी, अच्छा नहीं किया। तुम तो जानते थे हमें औलाद के कितने अरमान थे, दिन रात हाथ जोड़े तुम्हारे सामने खड़े रहे, कहां कहां जाकर तुझे नहीं पुकारा। मैंने तो समझा तूने हमारी सुन ली, लेकिन ये कैसा नया खेल रच दिया, मुझे नहीं भाया तुम्हारा ये खेल, मुझे नहीं भाया। बोलो दयालु, क्या यही तुम्हारी दया थी? औलाद पाकर भी मैं खुश ना हो सका, तुमने मेरे अरमानों का गला घोट दिया। बोलो भगवान ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया भगवान, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों? Thank you.
कौन जाने मरने वाले की निशानी अपनी ही समझ कर उठा लाए हो। से मिलने आया है। अच्छा उनसे बैठने को कहो, मैं आता हूं। हे कृष्ण कन्हाई, हे मेरे भांजे को इस महल में लाने वाले भगवान, एक एहसान मुझ पे भी कर। आप कौन साहब है? बाके बिहारी, उस्ताद बाके बिहारी। नहीं समझी, कुछ और बयान करूं। दरअसल मेरा दादा ऊंचा गढ़ का साला था और बाप नीचा गढ़ का। वैसे तो मैं भी किसी राजा का साला हूं, पर कुछ गढ़ का नाम याद नहीं आता यार। यही बुरी बात है कि मैं भूल जाता। अच्छा, तो खानदानी सालों के घराने से हैं आप? जी हाँ। तो यहाँ किसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए आए हैं? रिश्ता जोड़ने नहीं साहब, रिश्ता तोड़ने आया हूं। क्या मतलब? नहीं समझे, कोई जल्दी नहीं समझता। ठाकुर साहब, मेरी एक बहन थी, उसका क्रियाकर्म तो अस्पताल वालों ने कर दिया है, पर सुना है उसकी आखिरी निशानी आपके घर में है। आपके तो किसी काम आएगा नहीं, मेरा भांजा मुझे दे दीजिए। अच्छा, तो तुम उस बच्चे के मामा हो? अजी साहब, मामा हूँ, गामा थोड़े हूँ, आप तो कुश्ती लाने लगे। आओ बैठ बैठ बैठ। तो तुम उस बच्चे को पहचान लोगे? क्या बात करते हैं, अपना खून है कोई मजाक है? ठाकुर साहब, जैसे ही उस बच्चे पे उंगली रख दूंगा ना, भांजा मुस्कुरा के हाथ उठा देगा, जैसे कह रहा हूँ मामा गोद में ले ले गोद। अच्छा अच्छा, तुम यहीं चलो, मैं बच्चे को लेकर आता हूँ। देखो, जाना नहीं। पागल, जाने के लिए थोड़े ही आया हूँ। देखता हूँ भांजे साहब कैसे पहचानते हैं। ये बाजरी वाली इस तबले सारंगी से पिंड छुड़ा दी, पूरा 5 रुपए का प्रसाद बांटूंगा, भले ही किसी की जेब काटनी पड़े। हे प्रभु, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो। सुनिए, जरा सोच समझ कर बात करना। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। आओ विधाई आओ। ले आए मेरे भांजे को। हाँ हाँ, देखो। हाँ, यही है मेरा भांजा, मेरी बहन से बिल्कुल शक्ल मिलती। अच्छा, इसकी शक्ल तो और भी ज्यादा मिलती है, ऐसा लगता है जैसे दोनों ही मेरे भांजे हों। ये क्या कह रहे हो? अरे भाई खामोश क्यों हूं, अपने भांजे को पहचानू। हाँ हाँ हाँ, ये तो रोता है, ये आप ही का होगा, वो है मेरा। आजा बेटी आजा। अब क्या होगा? मैं खुद चक्कर में हूं, कल का छोकरा मेरे तजुर्बे पे हाथ साफ कर गया। खैर कोई बात नहीं, दोनों में से कोई सा भी दे दीजिए। लेकिन अभी फैसला तो हुआ नहीं, तुम्हारा कौन सा बच्चा है? ठाकुर साहब छोड़िए इस सरफोड़ी को, अगर मेरा बच्चा आपके घर रह जाएगा तो भी आप घाटे में नहीं रहेंगे, आखिर वो भी आप जैसे किसी बड़े खानदान वाले की औलाद है, कोई आसमान से थोड़े गिरा है। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। बस घबरा गए? ठाकुर साहब आप हमारी परवाह ना करें, हम तो आपके बेटे को भी बड़ी आसानी से तबला सारंगी सिखाकर अपने जैसा मिरासी बना लेंगे। भैया
जरा मेरी तो सुनो। अभी अभी तुम कह रहे थे अच्छे को ले जाकर बुरा बना सकते हो, तो क्या हम बुरे को अच्छा नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते, यही तो मैं भाई साहब को समझा रहा था। इंसान का बुरा या भला बनना उसकी परवरिश पर मुनसिर है, ना कि खून पर। तो ऐसा करो, अभी दोनों बच्चों को यहीं रहने दो, बड़े हो जाने पर फैसला हो जाएगा। पर इसमें भी एक झगड़ा है। झगड़ा कैसा? मैं इस बच्चे को देखे बगैर नहीं रह सकता, मेरी मरी हुई बहन की आखिरी निशानी है। तो फिर तुम भी यहीं रह जाओ ना। रुक्मिणी, ये क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ, जब हम इनका बच्चा रख लेंगे तो क्या इन्हें रहने के लिए जगह नहीं देंगे? ठीक है, अब जो तुम्हारी मर्जी में आए करो, मुझसे कोई मतलब नहीं। बहन, भाई साहब कुछ नाराज हो गए। ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। गिरधारी जी, गिरधारी इन्हें वो गोल कमरा खोल दो। बहुत अच्छा, चलिए। खेले आए जवान
देखो बेटा कितनी तकलीफ है बेचारे को, ऐसे आदमी पर हमेशा दया रखना। नमस्ते करो बेटा चाचा जी को। नमस्ते। जीती रहो जीती रहो। अरे गिरधारी, बड़े ठाकुर आए चावा लेकर। हाँ ठाकुर, मैंने सुना है तुम स्विट्जरलैंड जा रहे हो। तुमने ठीक ही सुना है जसवंत, जब से आशा की माँ हमें छोड़कर चली गई है घर हमें खाने को दौड़ता है, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। ठीक कहते हो ठाकुर, कुछ दिनों के लिए बाहर हो ही आओ। कुछ दिनों के लिए नहीं जसवंत, मैं तो तुमसे लंबी छुट्टी लेने आया हूँ। अरे क्या कह रहे हो। आशा की माँ हमेशा यही कहा करती थी, आशा को तालीम के लिए बाहर भेजेंगे। जसवंत, मैं उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। हाँ ठाकुर, भाभी अक्सर यही कहा करती थी, मगर ठाकुर परदेश जाकर वो शादी का वादा मत भूल जाना। जसवंत, हर नाम अपना वादा कभी नहीं भूलता, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, याद है ना? ओ हाँ भाई, याद है याद है। लड़का तुम ही चुनोगे, यही ना? हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा जसवंत, उन दोनों में से किसी का रंग निखरना शुरू हुआ या नहीं? अरे ठाकुर, उनमें से तो किसी का रंग नहीं निखरा, मगर यहाँ तो बांके बिहारी ने रंग बदलना शुरू कर दिया। जसवंत, मैं एक बात जरूर कहूंगा, तुमने उसे घर में रखकर अच्छा काम नहीं किया। क्या करूं ठाकुर, उनमें से एक बच्चा उसका भी है, इसलिए घर में रखा है, नहीं तो मैं उस कमबख्त को कभी का धक्के मार के बाहर निकाल देता। हाँ जरा बच्चों को तो बुलाओ, जाने के पहले एक बार फिर इम्तिहान ले लिया जाए। नमस्ते चाचा जी। आओ आओ। हम आपको देखते ही स्कूल का काम छोड़ा है, सोचा कि स्कूल का इम्तिहान बाद में दे देंगे। पहले तो चाचा जी का इम्तिहान पास कराएं। आज कौन सा इम्तिहान है चाचा जी? ठहरो, मैं अभी बताता हूँ। अच्छा राजा, ये तुम्हारे पिताजी है ना? हाँ है। तो आपको कोई शक है? नहीं नहीं शक नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा राजा, तुम ये बताओ, अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें कुएं में कूद पड़ने के लिए कहें तो तुम क्या करोगे? नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी मुझसे कभी कुएं में कूदने को नहीं कहेंगे। क्यों पिताजी, आप कह सकते हैं? नहीं बेटा, कभी नहीं। मुझसे पिताजी कहे तो मैं जरूर कूद पड़ूंगा, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त? कुआं एक गज से ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, इतनी छलांग में लगा लूंगा। जियो बेटा जियो। अरे इतनी छलांग तो मैं भी लगा लूंगा। दोनों ही अकलमंद है। भागे बिहारी। चाचा जी के इम्तिहान में क्या रखा है? स्कूल कॉलेज का इम्तिहान पास करो, डिग्री लो, अपने मामा का नाम रोशन करो। चलो चलो, वक्त खराब ना करो। बड़ा ही बदतमीज है। लेकिन लेकिन ठाकुर, अभी तो कुछ फैसला तो हुआ नहीं। जसवंत, मैं फिर कहता हूँ, एक दिन खून बोलेगा और जरूर बोलेगा, घबराओ नहीं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठि धाए। माँ, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों एक ही माँ के बेटे थे? नहीं बेटा, वे दोनों अलग अलग माँ से थे, परंतु उन दोनों में इतना प्रेम था कि कोई ये नहीं कह सकता था कि वो दोनों एक माँ की संतान नहीं। बस ढूंढ लिया, तू ही मेरा असली भांजा है। तेरे वही चक्कर में था। 20 साल से तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। मामा ओ मामा ओ मामा 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 याहू याहू याहू। मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा। ओ मामा ओ मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। धगन तिलक धन धगन तिलक धन धत्ता गदत्ता गदत्ता। मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। सारे गामा पाजानी सानी ने पापा मामा। ओ मामा ओ मांगा रे सा मामा। ओ मामा ओ मामा मामा मामा।
घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा। ओ मामा जो असली है कभी उससे खताएं हो नहीं सकती, जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती। अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है। वफादारी का शिकवा क्या, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है। अरे क्या असली है कौन भैया, नकली है कौन भैया, नकली है कौन। ओ मामा ओ मामा ओ मामा ओ मामा 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 या हूं या हूं या हूं मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा। ओ मामा दुनिया है यहाँ अपने भी आंखें फेर लेते हैं, अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं। हाँ जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे। सच भाई हुए हैं आज बेगाने, हमी पर ताने कसते हैं, हमी पर ताने कसते हैं, हाँ हमी पर ताने कसते हैं। अरे कैसे असली है कौन भैया, नकली है कौन भैया, नकली है कौन। ओ मामा मामा ओ मामा ओ मामा 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 या हूँ या हूँ या हूँ मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा। ओ मामा मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। धगन तनक दिन धगन तनक दिन दत्ता 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 मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। सारे गामा पादा नी सानी नी पापा मामा ओ मामा ओ मांगा रे सा मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा। ओ मामा ये क्या शोर मचा रखा है? ओ तो अब इन दोनों को ये धंधा सिखाना शुरू कर दिया? सिखाना ठाकुर, मैंने तो इन लड़कों में वो रंग भरा है, वो रंग भरा है कि जिसे देख के बड़े बड़े उस्ताद अपना सर पीट लेंगे। अब तो मुझे भी इनसे कुछ सीखना पड़ेगा। बांके बिहारी के बच्चे क्यों इन दोनों को मिलासी बनाने पर तुला हुआ है? तुम भी तो बड़े ठाकुर के साथ रोज रोज नए इम्तिहान लिया करते थे। किसी दिन अनाड़ी को मेरे हाथ में थमा देते तो मैं घर का रहता ना घाट का। आखिर मुझे भी तो अपनी फिक्र थी। बांके बिहारी, एक ही डार के दो फूल होते हैं, एक भगवान पे चढ़ता है, दूसरा मुर्दे पे। जगह जगह की बात है, जो महफिल में बजाता है वो उस्ताद कहलाता है, जो कोठे पे बजाता है वो मिराज। नमक हराम जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मेरे टुकड़ों पर पड़ा है मुझे जबान लड़ाता है। अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो जबान खींच लूंगा। पहुंच बड़े आए जबान खींचने वाले, मैंने अपने बाप की नहीं सही तुम्हारी क्या सुनूंगा। बोलो जी, मैं इन लोगों के आगे हाथ जोड़ने गया था क्या? मुझे यहाँ रखो, सौ बार गरजती तो रखा था। कान खोल कर सुन लो, मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रहूंगा, खबरदार जो मुझे रोका। हाँ मामा, जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। अच्छा, मेंढकी को भी जुकाम हो गया, अभी जाता हूं।
बादब्बा मुलायजा होशियार निगाहे रूबरू शहंशाह तबला और सारंगी मालिक नाचो गाना सारे जहां के मामा तशरीफ ले जा रहे हैं। चुप रहो मामा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं मामा, मुझे अपने साथ नहीं, मामा तुम्हारे साथ जाऊंगा। नहीं मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तू कौन होता? तू कौन होता? मैं जाऊंगा, मेरे मामा, मेरे मामा लगते मेरे मामा। चुप रहो, ऐसी भद्दी बातें करते शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए और बात करने तक की तमीज नहीं? ले ये सारे, चल बजा वो तबला। बाप ने मारी पीड़ड़ी और बेटे तीरंदाज। अरे मेरी छड़ी कहाँ है? अरे ला तो रही हूँ। ओ लाओ, हम खा इतनी देर करती। अरे सुनो तो, अब और क्या है? आशा अब सियानी हो गई होगी, ठाकुर से जरा ब्याह की बात छेड़कर देखो ना। क्या बात कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? अरे 12 वर्ष के बाद ठाकुर विलायत से आए हैं, वहां लोगों के सामने मैं ये कहूं कि ठाकुर अपनी लड़की की शादी हमारे किस लड़के के साथ करोगे, ये मुझसे नहीं होगा। तुम कभी किसी का कहा मत करना। अच्छा जाओ, मैं बांके भैया को भेज देती हूं। ओह बांके भैया, बांके भैया, ठाकुरायन कभी तो अकल से काम लो। ओहो धर्म सिंह, कहो भाई कैसे हो? क्या बताऊं, एक एक की सूरत देखने के लिए तरसता था मैं। चलिए अच्छा हुआ कि हम लोग याद तो आते थे। अच्छा भाई, भाभी और बच्चा तो मजे में है ना? बच्चा, बच्चा तो एक बच्चे का बाप भी बन गया। जसवंत जसवंत, तुम तो इतने बदल गए, पहचाने नहीं जाते। बड़े ठाकुर, जमाने ने मुझे बदल दिया और तुम जमाने के साथ बदल गए। ये तो बताओ, कहीं हमारी होने वाली बहू को तो अपने रंग में नहीं रंग लिया? जसवंत, हिंदुस्तानी चाहे जिस लिबास में हो वो हमेशा हिंदुस्तानी रहता है। अभी आ रही है, खुद ही देख लेना किस रंग में। आओ आओ बेटी, इधर आओ। ये हैं तुम्हारे जसवंत अंकल। जीती रहो, जीती रहो। वाह, विलायत रहकर भी तुम ये सब नहीं भूले। मैं तो ये समझा तुम ये कहोगी हेलो हाउ डू डू अंकल। अंकल यानी कि मामा। किसने मुझे पुकारा? कौन है मेरा चाहने वाला? लो यहाँ भी आ गए बच्चों के मामा। नमस्ते बड़े ठाकुर, बहुत दिनों बाद तशरीफ लाए। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था? कमाल है, आप तो विलायत के आ गए, अपने देश के रस्म रिवाज भी वहीं छोड़ा। घर आए हुए मेहमान की क्या इसी तरह इज्जत की जाती है? ये शरीफ का घर है और यहाँ शरीफ बुलाए जाते हैं, मिरासी नहीं। इससे तो मिरासी अच्छे हैं, जो कम से कम घर आए हुए मेहमान की बेइज्जती तो नहीं करते। खामोश, अपनी हैसियत देख कर बात कर, चला जाए यहाँ से, जाओ। ठाकुर मैं यहाँ रहने नहीं आया, बहू देखने आया, वरना लड़कों को क्या जवाब दूंगा। तू ही है ना मेरी बहू, अंधेरे घर में खड़ा कर दो तो उजाला हो जाए। जलील कमीने, छोटा मुंह और बड़ी बात। पिताजी, 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 तू जाए यहाँ से। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ। क्यों ठाकुर, आ गए ना अपनी ठकराई पे? और जो मैं भी अपने कंजरपने पर आ जाऊं और तुम्हारे एक झापड़ रसीद कर दूं, तो क्या इज्जत रह जाए इस भरी महफिल में तुम्हारी? शहर भर में डंडोरा पिट जाए, अखबारों में मेरा नाम ऊपर हो और तुम्हारा नीचे। लेकिन नहीं, हम लोगों का खून तो हमेशा गालियों का जवाब सलाम से देता आया है। जाओ, छोड़ दिया तुम्हें। प्रणाम, ठाकरों की मजलिस में मिरासी भी बुलाए जाने लगे? सुन लिया जसवंत, ले जाओ इसे। अगर तुम हमारे साथ उठना बैठना चाहते हो तो इसे घर की चार दीवारी में बंद रखो, वरना बहू भी इसी के मोहल्ले से ढूंढ लेना। आस्तीन के सांप आखिर तूने डस लिया? अपना मान बढ़ाने के लिए दूसरों को हर जगह जलील करता फिरता है। कमीने, अपनी औकात भूल गया? चला जा, चला जा मेरी नजरों के सामने से, और फिर मेरे घर में कदम रखा था टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वाह, खूब, खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला। एक ठाकुर अपनी लड़की देने से इंकार करता है और दूसरा मेरा लड़का ही हजम कर जाना चाहता है। तो ले जा अपने लड़के को, दबाओ यहाँ से। ले जाऊं? ले जा। फिर सोच लो ठाकुर, कौन सा ले जाऊं? राजा के रमेश? खामोश क्यों हो गए ठाकुर? इस कुर्बानी के लिए पत्थर का जिगर चाहिए, पत्थर का।
इसके लिए हम दोनों में से एक को अपने दिल का खून करना होगा। मैं करूंगा अपने दिल का खून, क्योंकि मैं दोनों को प्यार करता हूं। वो जहां भी रहे खुश रहे, फले फूले। आ जा के बस तेरा इंतजार, मेरी तलवार तेरे लिए बेकरार। चुप रह चूहे, देखता नहीं शेर करता है आराम। उठूंगा तो कर दूंगा तेरी नींद हराम। न तू यूं हां कह बुज़दिल, है सब जाहिर पसीने से। मैं तलवारें उठाता हूँ, नहीं डरता हूँ गीदड़ से। ये बात है। अच्छा अच्छा ये बात सच्ची का लड़ना तो उठ उठो। अच्छा क्या बंदर की तरफ कूद रहा है तो तुम झाड़ू क्यों मार रहे हो फिर आखिर? अरे ये क्या, अरे ये क्या? माँ माँ ये आई, देखो ना माँ धोखे से मारता है। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अब तुम जवान हो गए हो, तुम्हारे पिताजी और मामा लड़की देखने गए हैं और तुम यहाँ बच्चों के से हरकतें कर रहे हो। लड़की देखने गए हैं? बहू किसको दोगी माँ? मुझे देंगे, आपको कोई इतराज? अरे जा माँ, तुम ही फैसला करो बहू किसे दूंगी। हाँ मैं, तुम ही फैसला करो ना। बहू के लिए दूल्हा मैं नहीं बड़े ठाकुर पसंद करेंगे, वो जिसे चाहेंगे उसे देंगे। एक बात बताओ माँ। बोलो बेटा। माँ कभी तुम्हें ऐसा ख्याल आता है कि हम दोनों में से एक बेटा तुम्हारा नहीं? चुप, ऐसी बातें करता है। नहीं माँ सच बताओ ना, तुमने कभी ऐसा सोचा है? ईश्वर जानता है बेटा, मेरे दिल में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया, और आए भी क्यों, तुम दोनों ही मेरी औलाद हो। गलत, बिल्कुल गलत, दोनों नाचने वाली की औलाद है। हाँ राम, तुम्हें लाज नहीं आया ऐसे शब्द कहते हुए? तुमने मुझे भी नाचने वाली बना दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी दुनिया कह रही है। अगर अमृत में एक बूंद जहर मिल जाए तो वो अमृत नहीं रहता, जहर हो जाता है। तो तुम उन्हें ये क्यों नहीं समझाते, दूध में कितना भी पानी मिलाओ दूध दूध ही रहता है। तुम नहीं समझोगी, क्योंकि इस घर की चार दीवारी तुम्हें उन तानों से बचा लेती जिन्हें मैं सुन सुन के पागल हो जाता हूँ। तुमसे कोई जवाब नहीं दिया जाता। क्या जवाब दूं, कैसे उनकी जबानें बंद कर दूं, जबकि हम दोनों जानते हैं इनमें से एक लड़का हमारा नहीं। बड़े बहादुर हो इसी बात का ढोंढोरा पीटते रहकर। 100 बार कहा बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं कहते, पर तुम नहीं समझोगे। अब कुछ समझने की जरूरत नहीं, बड़े ठाकुर ने आज सब खत्म कर दिया। भरी महफिल में मेरे मुंह पर कह दिया ठाकुर बहू भी बांके बिहारी के मोहल्ले से ढूंढ लो और भेजो उस मिरासी के बच्चे को वहां। सुना था औलाद होने के बाद खुशी होती है, चैन मिलता है। मैंने न जाने कौन सा पाप किया था जो मुझे कुछ भी नहीं मिला। जी चाहता मैं दोनों को मार दूं। इन्हें मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश मर से गुजरना होगा। मर जाओ, तुम सब मर जाओ। मुझे इस घर में कभी शांति नहीं मिली, कभी शांति। पिताजी हट जा, लग मत छू मुझे। राजा औलाद तो माँ बाप को सुख दिया करती है, और एक हम हैं कि दोनों ने उनका चैन लूट रखा। जब से होश संभाला यही झगड़ा सुनते रहे। रमेश पिताजी का दुख देखा नहीं जाता। हाँ राजा, पिताजी जब लोगों के ताने सुनकर घर आते तो मेरा जी चाहता है भागकर कहीं अपना मुंह छुपा लूं। से क्या फायदा, नेक औलाद का तो फर्ज है कि अपने मां बाप की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे।
देख रहा हूं अब हम बच्चे नहीं रहे, सब समझते, इस घर में जो हो रहा है उसे देख भी रहे। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हम दोनों में से एक इस घर का नहीं हार रहा हूं। और अगर हम इस घर को आबाद देखना चाहते हैं तो हम में से एक को घर छोड़ना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं, सिर्फ घर ही नहीं छोड़ना होगा बल्कि जिंदगी के वो नीच काम करने होंगे जो हर बुरा आदमी करता है। राजा। हाँ हाँ रमेश हाँ, जब तक हम में से एक नाचने वाली का नहीं कहलाएगा दूसरा ठाकुर का नहीं बन सकता। और तभी पिताजी की आंखों में वो चमक आएगी जो हम दोनों देखना चाहते, तभी ये खानदान, ये घर जरूर आबाद होगा। राजा मैं जाऊंगा घर को छोड़ के। नहीं रमेश, ये बात तुम्हें भेजने के लिए नहीं सोची थी, ये तो खुद जाने के लिए सोची है। लेकिन तुम ये क्यों भूलते हो कि मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। नहीं नहीं रमेश, मैं जाऊंगा। रमेश तुम नहीं समझते। मैं सब समझता हूँ राजा, मैं जाऊंगा। सुन रमेश, जानता हूं कि तुम भी पिताजी की खुशी के लिए सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन भैया ये दुनिया बड़ी बेरहम है, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। और तुम कर लोगे? हर बात में जिद करते हो। तो फिर तुम क्यों नहीं मान लेते? इस तरह तो ये सवाल कभी हल नहीं होगा रमेश, ये घर कभी आबाद नहीं होगा, मैं तुझे कैसे समझाऊंगा। ठीक, देख, भगवान की मर्जी से हम दोनों इस घर में आए, एक साथ पले, एक साथ खेले, अब उसी की मर्जी से हम दोनों में से एक इस घर को छोड़कर जाएगा। लेकिन राजा ये कैसे मालूम होगा कि भगवान हम में से किसको भेजना चाहता है? देखो रमेश, भगवान के सामने ये दो दिए जल रहे हैं, इसमें से एक तुम्हारा और एक मेरा, और जिसका दिया पहले बुझ गया समझो भगवान उसी को भेजना चाहते हैं। मंजूर है? मंजूर है। तो आप बैठ जाए। देखो रमेश, भगवान ने अपना फैसला सुना दिया। नहीं, मैं ये नहीं मानता, ये सब झूठ है, गलत है, बकवास है। राजा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। नहीं राजा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। एक दिए के बुझ जाने से तुम दर दर के ठोकरे खाओ और मैं घर बैठा आराम करूं, ये कहां का इंसाफ है? मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। ये तो तय करके बात हुई थी, है ना? कसम खाओ ये राज किसी से नहीं कहोगे। मुझे भी साथ ले चल राजा। तुम तो बच्चों से भी गए गुजरे हो रमेश, अगर हम दोनों चले गए तो ये झगड़ा कैसे हल होगा? रमेश, हम दोनों तो इस घर को आबाद देखना चाहते हैं, बर्बाद नहीं करना चाहते। राजा मैं तुझे देखे बिना जिंदा नहीं रह सकता। रमेश मैं नहीं रह सकता। देख ले, ये दीवारों के बाहर चले जाने से रिश्ता थोड़ी टूट जाता है। अब मैं कहूंगा
मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ भैया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं था भगवान, तुमने उसे धोखा दिया। पानी है किसे में ऐसी चले आए पानी। ये देखो, ये देखो, पैसे देखने, पैसे 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 देखो, पैसे देखो। वेरी गुड, ट्राई योर लक। अरे ये तो ठाकुर जसवंत का लड़का है, जुआ खेल रहा है। हाँ वही है, कल ही मैं जाके ठाकुर से कहूंगा। जरूर। तुम लोग समझते क्या, मैं बहुत बड़ा जुआरी हूँ, मैंने शराब पी है ना, मैं जुआ खेलूंगा। बोलो कौन कौन से घोड़े? बालम, चकोरी, पुष्पावती। पुष्पावती? यस। महिला? महिला पे रुपया तो क्या, दिल लगा दूंगा, दिल। पुष्पावती 500 रुपया लगी, पुष्पावती 500 रुपया और लगे, और उसने लगी महिला, वो महिला। बेलिया बेलिया बेलिया
फेमिया 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 फेमिया। देखो जी हजारों में तुमने इशारों से दिल मेरा ले लिया ले लिया। बेलिया 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 लल्ला चांद का छल के पैमाना चाल मेरी मस्ताना प्यार का जाम पिलाना जल ना जाए जमाना। धूम के रात कहे हाथों में हाथ रहे नील गगन तले आ। धूम के रात कहे हाथों में हाथ रहे नील गगन तले आ। बेलिया 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 बेलिया। भीगी सी पहाड़ों में तुमने इशारों से दिल मेरा ले लिया। फेमिया 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 फेमिया। हो 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 ला 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 हा 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 हा। मैं तो चंदा से गोरी बात सुनो जरा छोरी प्यार करूं चोरी चोरी डाल दे नैनों की डोरी। हमने तो जान लिया तुमको पहचान लिया दुनिया जले तो जलिया। हमने तो जान लिया तुमको पहचान लिया दुनिया जले तो जलिया। फेमिया 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 फेमिया। देखो जी हजारों में तुमने इशारों से दिल मेरा दे लिया। बेलिया 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 बेलिया। कौन और थी? राज अभी तक नहीं आया। अरे सुखिया छोटे सरकार को बुलाओ ना। मालकिन छोटे सरकार तो कमरे में नहीं है, मैं अभी अभी देख के आ रही हूँ। ये सुबह सुबह कहाँ चला गया? तुमसे कुछ कहा बेटे? माँ मुझे भी नहीं मिला सुबह से। हेलो, हाँ मैं ठाकुर जसवंत सिंह बोल रहा हूँ। क्या राज ने शराब पी? क्या कहते हो, जुए में पकड़ा गया? और इस वक्त हवाला तो बंद है। ठीक है ठीक है, मैं भी आता हूँ। मालिक क्या हुआ? गजब हो गया मालिक, तिजोरी टूटी पड़ी है और रुपया गायब हो गया। राज हवालात में बंद है। राज
जुए में पकड़ा गया। अच्छा क्या हुआ? पाप कट गया रुक्मणी, अब मैं चैन से जिंदगी बसर कर सकूंगा। जिस दिन का बरसों से इंतजार था आज वो दिन आ पहुंचा है। टके की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचान गई। अरे वाह भगवान वाह, तेरे यहां देर है अंधेर नहीं है। मैं नहीं मानती, इसने किसी और का हाथ है, जरूर किसी और का हाथ। बड़े ठाकुर ठीक ही कहते थे, एक दिन खून बोलेगा और जरूर बोलेगा। रुक्मणी बोला और खूब बोला। ये लो मेरी अंगूठी भी ले गया। ये गलत है, ये सब गलत है, तुम जाओ उसे छुड़ा के लाओ। छुड़ाने की जरूरत नहीं, उसे वहीं मरने दो। नहीं नहीं सुनिए, जा बेटा जल्दी से उसकी जमानत दे आ, जा जल्दी। जा रहे हो तो उससे ये भी कह देना कि उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। अगर इस घर में कदम रखा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। तू खड़ा क्यों है, जाता क्यों नहीं? उसे मेरे दरिया वाले मकान में रहने को कह देना, जा समझाना। राजा राजा ये सब क्या हो रहा है? रमेश घर छोड़ना है ना, ये तो सिर्फ इब्तिदा है, बहुत कुछ करना होगा। ये लो दरिया महल की चाबियां, माँ ने कहा तुम वही रहो। माँ ने कहा? लेकिन सुनिए, मुझे तो यहाँ कोई भी नजर नहीं आता, आप यहाँ रात को अकेले कैसे रहेंगे? एक नौकर है कमबख्त के, बाहर गया होगा। अच्छा, जब तक वो नहीं आ जाता मैं ही यहाँ ठहरती हूँ। देखिए कृपा करके। मैं देखती हूँ नौकर कहाँ है। पानी, पानी। मुझे कहना था। अच्छा मैं भी लाती हूँ। लीजिए। क्या हुआ मालिक, क्या हुआ सरकार? वो आपका नौकर आ गया। मालिक अब मैं जाती हूँ, कल फिर हाल पूछने आऊंगी। गधे कहीं के, जहां इतनी देर मरा हुआ था कुछ देर और रह जाता तो क्या बिगड़ता तेरा। दूध का दूध पानी का पानी, मिरासी गया मिरासी का भांजा गया। अरे इतने खुश होकर कहाँ जा रहे हैं? रुक्मणी रुक्मणी आज मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है दिए जला और साधु संतों को दान दो। मैं अभी ठाकुर से जाकर कहता हूँ, ठाकुर तुम्हारे फैसले से पहले भगवान ने अपना फैसला सुना दिया, मैं कब बारात लेकर आऊँ? नहीं नहीं, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, मेरा राजा ऐसा नहीं है, ये झूठ है, ये सब झूठ है। हाँ सब झूठे हैं, सब बेईमान है, बस वही तो एक नेक है, और पुलिस वालों ने भी उसे यूं ही हवालाते बंद कर दिया था। क्यों? मैं कुछ नहीं जानती, तुम बड़े ठाकुर के यहाँ नहीं जा सकते,
जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूं, मुझे विश्वास नहीं हो सकता। तो फिर खड़ी क्यों हो, जाओ अपनी आंखों से देख लो। मेरा राजा ऐसा नहीं। अयो शंभू, शंभू जी, जी जी जी, जो बताया याद है ना? जी हाँ जी, जी बिल्कुल वैसा ही कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। बात क्या है, रो क्यों रहे हो? मालिक, अच्छा मालिक। सुनिए, मैं सुनिए सुनिए, नाक में बाल चला गया था। सुनिए सुनिए सुनिए, ठहरिए तो। बीबी जी, बीबी जी, देखिए, सुनिए 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 सुनिए, ठहरिए ना, सुनिए 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 सुनिए। अरे रात को सचिन नाराज हो गई, मानता हूं महिलाएं पुरुषों को बहुत भगाती हैं। सुनिए 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 सुनिए, देखिए तीन दफा तो भगवान भी माफ कर देता, आप एक बार भी नहीं करती। हट जाओ मेरे रास्ते से, कल से ढोंग रचा रखा है, मर रहे थे। बिल्कुल ठीक कहती हैं आप, हालत तो कुछ ऐसी है अपनी। शर्म नहीं आती? आ गई, मगर आपको इस गरीब पर दया नहीं आती? आ गई। कार खाली कीजिए। खाली है, चारों तरफ भगवान की दया है। चलिए। मैं किसी और से नहीं, आपसे कह रही हूँ, तशरीफ ले जाइए। अजी तशरीफ ले जाने के लिए तो यहाँ बैठा हूँ। चलिए जल्दी कीजिए, गाड़ी चलाइए। कहाँ जाना है आपको? मंजिल का तो पता है, रास्ता नहीं जानता। ले चलिएगा। कौन सी मंजिल? जहाँ मस्ती भरा समा हो, हर चीज झूमती हुई हो। मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ। आँखों में आ जा, दिल में समा जा, घूमे तमी आसमां। मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ। आँखों में आ जा, दिल में समा जा, घूमे तमी आसमां। मस्ती भरा है समा। डालो जी, गिर न जाए संभालो जी, भीगी हवाओं में ऐसी फिजाओं में होश मुझे है कहाँ। मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ। आँखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमीन आसमां। मस्ती भरा समा।
प्यार से प्यार सजाए चल, मन की प्यास बुझाए चल, प्यार से प्यार सजाए चल, मन की प्यास बुझाए चल। मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ। आंखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमीन आसमां। मस्ती भरा है ये तो वही कल वाला है जिसने हमको जेल में भेजा था। अरे शंकर उठ यार। अरे सोने दे भाई। अरे सोने का मौका नहीं है बंधु, दुश्मन को बराबर करने का वक्त आ गया। चल उठ, ये हाथ से निकल जाएगा कम वक्त। चल चल चल। अरे चल यार, नहीं तो ये चला जाएगा तो बड़ा आफत हो जाएगा। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? वो रहा उधर नहीं इधर। ठहर जा शंकर, मैं इसको निपट लेता हूँ। चलो चलो। हाँ हाँ। ओ तो तुम यहाँ भी पहुँच गए हैं? अरे पकड़ लिया मेरे। अब कहाँ बच्चे? किशन, किशन मैं जा रहा हूँ, तुम इसको बराबर करना। हाँ छोड़ना मत, मुझे इसने बहुत मारा है। किशन कहाँ भगा? इस बार छोड़ दिया, फिर निपट लूंगा। कैसी रही? अच्छी रही। अच्छी रही। क्या बात है, क्या हुआ? कौन है वो? अच्छा तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? मेरे साथ मिलकर शराबी बनना होगा। शराबी? और मैं? मेरा मतलब शराबी की एक्टिंग करनी होगी। देखो वो औरत जो आ रही है ना, वो अपने भतीजी को मेरे गले मरना चाहती। अगर तुम मेरी मदद कर लो ना तो हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। ये बात है? तो देखो मैं कैसे एक्टिंग करती हूँ।
किसने पुकारा? कोई नहीं, कोई नहीं। यारो खता को माफ करो, मैं नशे में हूँ। शीशे में मैं है, मैं नशा है, मैं नशे में हूँ। ये क्या है? शराब पिए, इतनी शराब पिए। बंद कर ये बकवास। बकवास? अगर ये बकवास है तो जिंदगी की सबसे हसीन बकवास है। आंखों के सागर हल्के गुलाबी, उनका सा साकी मुझसा शराबी। राजा कैफे मोहब्बत रक्षा नजर में, मैं भी शराबी, तू भी शराबी। लो लो पियो। बे शर्म कहीं की, शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बातें कर, शर्म नहीं आती, चल निकल यहाँ से। तू मुझसे लड़ेगी? मैंने अभी अभी दो गुंडों को यूं बाहर पटक दिया। गुंडे की बच्ची और मैं तुझे बाहर पटक दूँ? अरे 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 ये तो चल चल बचाओ बचाओ बचाओ। और फिर कभी इधर आई तो जान से मार डालूंगी। मेरा काम हो गया आशा, तुम घर चली जाओ। अब तो मैं सचमुच लड़ूंगी, छोड़। सुन सुन, मैं तुम्हें कल मिलूंगा, प्लीज घर चली जाओ। ऐसी नहीं, ठीक है तू घर चल। कौन थी ये? मैं पूछती हूँ कौन थी ये लड़की? वो लड़की मुझे क्या मालूम, रास्ते में घूम रही थी, मैं उसे पकड़ लाया। बेशर्म, शर्म नहीं आई तुझे माँ को ये नजारा दिखाते हुए? मुझे क्या मालूम तुम बेवकूफ चली आओगी। बदतमीज, मेरे सामने ऐसी बातें करता है। ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो मेरा खून बोल रहा है, एक नर्तकी का खून। खून? और मेरी परवरिश मेरा दूध नहीं बोला? इसमें तुम्हारे दूध का क्या दोष, मेरा खून ही ऐसा है। जाओ माँ जाओ, मुझे ऐसी जिंदगी बसर करने दो। सबने कहा मगर मैं नहीं मानी, मेरी ममता नहीं मानी। तुम असलियत को मानना ही नहीं चाहती तो मैं क्या करूं, दुखी क्यों होती? जाओ जाओ, खुशियां मनाओ, तुम्हें तुम्हारा असली बेटा मिल गया। और तुमने ये भी तो देख लिया कि एक नाचने वाली की औलाद कौन। निकल जा, निकल जा मेरे घर से, मैं तेरा मुंह देखना नहीं चाहती। आओ आओ ठकुराई, नाओ मिलाएं सपूत से, पड़ गई कलेजे में ठंडक, बोलो। हाँ हाँ बोल। ओहो तुम तो इतनी खुश हो कि तुमसे बोला भी नहीं जाता। क्या कर रहा था तुम्हारा लाडला? भगवत गीता का पाठ कर रहा था या रंगलियां मना रहा था? बस और कुछ न कहिए। ओहो अब तो दूसरों की जबान से उसकी तारीफ भी नहीं सुन सकती, क्यों ठीक है ना? आज मेरी आंखों ने जो कुछ देखा, भगवान किसी दुश्मन को भी न देखा। हाँ ठकराइन, आज तुम्हें पता चल गया हीरा और पत्थर किसे कहते हैं। मैं न जानती थी कि मेरी उम्मीदों के महल इस तरह मिट्टी में मिल जाएंगे। अब आप जाइए बड़े ठाकुर से, रमेश की शादी की बात पक्की कराइए, जाइए। तो तुम आ गए रास्ते पर, चलो अच्छा हुआ। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। क्यों मानते हो मेरा तजुर्बा? मैं बार बार कह रहा था एक दिन खून बोलेगा और जरूर बोलेगा, बोला कि नहीं? हाँ बड़े ठाकुर, भगवान की दया से सब उसी पर टल गई। लेकिन अब मंगनी की रस्म पूरी करो ना। जसवंत मंगनी ब्याह दोनों हुए समझो, लेकिन मैं सोच रहा था रमेश को एक आध मौके के लिए भेज देते तो अच्छा ही था।
तू यहाँ क्यों आया? थड़म थई दिग दिग थई थका थूंगा दिग दिग थई थुमता था थुमता था थुमता था। बस बस बस, ये तेरे आने की जगह नहीं है, तू घर जा। वाह मामा, एक हमें जो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते, और एक तुम्हें जो हमें देख के खुश भी नहीं होते। हा? अरे तुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो ठाकुर साहब की बदनामी होगी, जा घर जा। मामा मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों क्यों कैसी? मामा अगर पिताजी ने देख लिया ना तो मुझे तब से उड़ा देंगे। हाँ, उस घर के तो सब दरवाजे बंद हो गए। क्या बात हुई, क्या हुआ? मैंने चोरी की मामा। चोरी? हाँ, देख देख देख, पिताजी की अंगूठी। अरे चोरी नहीं, मैंने शराब भी पी। हाँ, शराब पी, जुआ खेला, घर में जितने सबको गालियां देकर चला आया, समझता क्या? हाँ? सबको गालियां? चोरी की? हाँ मामा। शराब पी? हाँ मामा। जुआ खेला? हाँ मामा। सबको गालियां दी? हाँ मामा। जीते रहो बेटा, जीते रहो, तू ही मेरा असली भांजा है। अपने तो खानदान की खासियत ही ये है, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। कर लीजिए से क्या। इस कदर तेरा तसव्वुर कभी बढ़ जाता है, इस कदर तेरा तसव्वुर कभी बढ़ जाता है। आईना देखो तुम तेरा नजरा तो आ मेरे राजा, तुझे हमारी कसम हो।
माई, आज तेरा दूसरा बेटा नजर नहीं आता। पापा, सुख से तो है ना? माई, मैं जाता हूँ, भगवान तुम्हें शांति दे। शांति तो तू ले गया है पगले, अब तेरे बिना शांति कैसे? बेटा। राजा। माँ। मेरा राजा। माँ। मेरा राजा। माँ की सेवा तो करता नहीं, उल्टा उसे परेशान करता है। तुझे माँ की याद नहीं आई? दुनिया में इंसान सब कुछ भूल सकता है, पर अपनी माँ को नहीं भूल सकता। और फिर मेरी माँ तो क्यों चला गया था अपनी माँ को छोड़कर? बोल, फिर जाएगा? राजा, तेरे बिना ये फिर बड़ा सूना लगता है। देखना क्या हालत बना रखी है इसने। ये कपड़े तेरे पहनने के हैं? ये सब तो तुम्हें देखने के लिए मैंने किया है। तूने कहा था ना कि तू मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती, फिर इसका क्या हो माँ? तुम्हें देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। मेरी बात को बुरा मान गया, मैंने मारा इसलिए रुट गया है तू। पिताजी, बुजुर्ग ज्योतिष विद्या जानते हैं, माँ इनसे कुछ पूछ रही थी। अच्छा, क्या कहते हैं साधु महाराज? कहते हैं हमारे दो बेटे हैं। गलत, बिल्कुल गलत, हमारे एक लड़का है। उन्हीं को कौन टाल सकता है बाबा? ठहरो। आजी कमीने। निकल जा इस घर से। फिर कभी इस घर में आए तो तेरी लाश ही जाएगी यहां से। जाओ। अरे सुंदर, आशा बिटिया को भेज दो। जी बहुत अच्छा मालिक, आजकल शादी से पहले थोड़ी जान पहचान हो जाए तो अच्छा ही रहता है। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? चाचा जी, आप तो हमेशा इम्तिहान लेते हैं, कभी आप इम्तिहान देते भी? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। ये तो तुम लोग आजकल आजादी का झंडा लिए घूम रहे हो। अरे हमारे जमाने में तो लड़कियां चार दीवारी में बंद रहती थी, और मर्द अगर अपनी बीबी की शक्ल देखना चाहे तो फेरे के बाद दे सकता था। तब तो ताजझात में बड़ी मुश्किल रहती होगी। अरे तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे। अजी खाओ, अभी तो तुम जवान हो। हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो सब सफा चट कर जाते थे। पूछ लेना जसवंत से। हाँ। पिताजी से क्या पूछूं चाचा जी, आप लोगों के जमाने में तो असली घी था। हाँ हाँ। अब मैं आजकल जरा नकली से डरता हूँ। लो आशा आ गई, आओ बिटिया। आशा, इन्हें पहचाना तुमने? ये है रमेश, अपने जसवंत का लड़का। नमस्ते। बैठो बेटा, बैठो बेटी, बैठो। क्यों आशा देवी, आपने अपना पुराना शहर घूमकर देखा है? नहीं, काफी बदल गया। जी,
अभी तक तो नहीं देखा। तो फिर चलिए ना, मैं आपको सब कुछ दिखा लाता हूँ। चाचा जी हम लोग जाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन पिताजी आज नहीं, मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि आज मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। ओ नहीं बेटा, घर आए मेहमान की बात नहीं जानते, जाओ घुमाओ, जाओ बेटा जाओ। नमस्ते चाचा जी। क्या बात है, गाड़ी क्यों रुकवा रहे हैं? मेरे एक दोस्त यहाँ रहता है, बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसको आपके साथ मिलाना चाहता हूँ। देखिए ये जगह मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा जी मैं एक मिनट में आया। अभी अरे तुम यहाँ कैसे? मैं? अरे वाह, तुम्हें देखकर ही तो मैंने गाड़ी रोक दी। आओ बैठो। तुम यहाँ? हाँ हाँ, जल्दी आओ ना। यहाँ तुम आते हो या नहीं, जल्दी आओ। एक जमाना था जब पृथ्वीराज संयुक्ता को लेकर भाग गया था। और आज जमाना ये है कि संयुक्ता पृथ्वीराज को लेकर भाग रही है। आइए आइए, तस्वीर लाइए। मेरे मामा हैं? मामा आमा सभी मिल जाएंगे, आप अंदर तो आइए सरकार। चलिए ना। मैं मामा। चलिए ना, शर्माते क्यों हैं? वालेकुम सलाम। गाड़ी कहाँ गई? आशा क्या देख रही? तुम्हें ये इंसान को क्या हो जाता है आशा? चंद दिन पहले मैं तुम्हारा कुछ नहीं था, तुम भी मेरी कुछ नहीं थी, और आज देखो ना हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते। बताओ ऐसा क्यों हो जाता? ये तो मैं खुद भी नहीं जानती आशा। एक बात पूछूं? कभी तुमने ये जानने की कोशिश की है कि मैं कौन, क्या करता हूं, कहां रहता हूं? नहीं तो? और अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं एक अच्छे खानदान का लड़का नहीं हूं, मैं बुरे मोहल्लों में रहता हूं, मैं बुरा आदमी हूं? होगे। तुम तो हर बात मजाक में उड़ा देती हो, मैं सच कह रहा हूं आशा, मैं तुम्हें अपनी असलियत बताना चाहता हूं। मगर मैं जानना नहीं चाहती, तुम जो हो जैसे भी हो मेरे हो। अच्छा तो बात पक्की? बिल्कुल पक्की। हाँ बड़े ठाकुर, कल हम लोग लड़की को टीका लगाने आ रहे हैं। मैं सब तैयारी कर लूंगा। आशा कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ। अच्छा हाँ बड़े ठाकुर, अब मैं चला। अच्छा जसवंत। पिताजी, चाचा जी किसकी मंगनी की बात कर रहे थे? तुम्हारी बेटी, अब तू ब्याह लायक हो गई है, मुझे ये काम झट से कर लेने दे। मैं आपको इतना ही भार लगती हूँ? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन तू तो जानती है आशा, कोई बेटी हमेशा के लिए बाप के घर नहीं रह सकती। लेकिन पिताजी, मैं भी शादी नहीं करूंगी। ये क्या कह रही है, कल तो वो लोग टीका लगाने आ रहे हैं। आपने ये फैसला करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। बस इतनी सी बात से नाराज है? बेटी अगर तेरी ये शादी में आज तय करता तो जरूर तेरी राय लेता, लेकिन ये वचन तो मैं तुम्हारे पैदा होने से पहले ही दे चुका था। तो आपने मेरा ब्याह भी तभी कर दिया होता जब मैं गुड़ियों की शादी रचाया करती थी, उस खेल के साथ मैं ये खेल भी हंसकर सह लेती, पर आज तो मैं अपना भला बुरा खुद समझ सकती हूँ। इस शादी में भी सब भला है बेटी, रमेश अच्छा लड़का है और खानदान भी बराबरी का है। लेकिन पिताजी, मैं तो किसी और को चाहती हूं। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, आज तुमने मेरी गर्दन शर्म से झुका दी। क्या मैंने तुझे इसीलिए तालीम दी थी इस खानदान की इज्जत को सारे बाजार नीलाम कर भी बेची? मैंने इज्जत नहीं बेची। अगर आपके ऐसे ही विचार थे
तो आपने मुझे इतनी ऊंची तालीम क्यों दी? हाँ, ऊंची तालीम इसीलिए दी जाती है कि खानदान के पुराने और पवित्र उसूलों को तोड़ दो, बेशरम बनकर बाप के साथ जबान लड़ाओ। मैंने सच्ची बात कही है, आपका अपमान तो नहीं किया? नहीं नहीं, तूने मेरी इज्जत बढ़ाई है, खानदान का नाम रोशन किया है। आपको खानदान की इज्जत का बहुत ख्याल है, लेकिन अपने लड़के की जिंदगी का कुछ भी ख्याल नहीं। तेरी जिंदगी का कुछ भी ख्याल न होता तो तुझे इतनी ऊंची तालीम देता, इतना नाजों से पालता। लेकिन पिताजी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अपने खानदान की इज्जत के लिए औलाद तो क्या, खुद अपनी जान निछावर कर सकता हूँ। ये मंगनी होगी और होकर रहेगी। जाओ। हेलो, कौन? रवेश? हाँ हाँ भाई, मैं ही हूँ। ए राजा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूँ। कहो। कल अपनी मंगनी है, उसी इंग्लैंड रिटर्न से। हाँ, क्या तुम्हारी मंगनी हो रही है? अरे वाह, बधाई हो रमेश, बहुत बहुत बधाई हो। तुम कल आ रहे हो ना? हाँ? नहीं नहीं रमेश, तुम तो जानते हो मैं वहाँ नहीं आ सकता, मगर सुनो, मैं दूर से देखने आऊँगा। ओ, तो फिर वादा रहा? हाँ हाँ हाँ, सच कहता हूँ, वादा करता हूँ। अच्छा अच्छा। लुटी जिंदगी और गम मुस्कुराए तेरे शहां से हम बाज आए। लुटी जिंदगी और गम मुस्कुराए तेरे शहां से हम बाज बिटिया तो आने से इनकार कर रही है। क्या? हाँ मालिक। जसवंत, मैं अभी आता हूँ। आप ठहरिए, मैं जाती हूँ।
मेरी बहू जरूर शर्मा रही होगी, ऐसे मौके पर बाप नहीं माँ बेटी को लाया करती है। अरे खुशी के समय रोया नहीं करते बेटी। आप, तू जिसे मैं अपनी बहू बनाने के लिए आई थी, ठाकुर हरनाम सिंह की लड़की विदाई से यही सीख कर आई है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ कि असली नकली का इम्तिहान लेने वाले, पहले तो खुद बता तेरी औलाद असली है या नकली। तो जैसी आवारा के मुंह से माँ शक तुम शर्म आनी चाहिए। हर जा, मैं आपसे अपनी इज्जत की भीख मांगती हूँ माँ। इज्जत और तेरी, उसे तो तूने एक बोतल शराब के बदले में बेच दिया है। बेशर्म, उस वक्त तेरी इज्जत कहाँ गई थी जब तू शराब के नशे में नाच रही थी। नहीं नहीं, मैंने शराब नहीं पी थी। नहीं नहीं, तूने तो अमृत पिया था, झूठी कहीं। मैं सच कहती हूँ माँ, मेरा इतबार कर, मैंने शराब नहीं पी थी। तो क्या मैं झूठी हूँ? मेरी आंखों ने जो कुछ देखा वो सब झूठ है। वो सब तो हमने अपने प्यार के लिए किया था। सच माँ, हम दोनों ने ढोंग रचा था, हम दोनों ने ढोंग रचा था माँ। ढोंग रचा था, क्या कह रही हो? उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम अपनी भतीजी से उनकी शादी करना चाहती हो, और अगर हम लोग शराबी की एक्टिंग करेंगे तो तुम अपना इरादा बदल दोगी। उसने मुझे भी धोखा दे दिया। अब तुम ही फैसला करो माँ, थोड़ी देर की बेशर्मी ठीक थी या जिंदगी भर का रोना। अब मुझे टिक्का तो लगाने दे, चल नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ये सब सुनकर भी तुमने यही कहा? घबरा गई बेटी, अब मैं तुझे टिक्का राजा के लिए लगाऊंगी, रमेश के लिए नहीं। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है पगली? राजा भी मेरा ही बेटा है। आपका बेटा? हाँ, ये बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊं। माँ, मेरी अच्छी माँ। सदा सौभाग्यवती रहो बेटी। अरे तुझे आज हुआ क्या है? मामा मुझसे आज नहीं बजाया जाएगा। छोटे उस्ताद, आपसे कोई मिलने आए हैं। आप क्या कर रही हैं यहाँ? अरे ये आप क्या लगा रखी है? आज मिलने की बात थी ना, तुम नहीं रख सके, मैंने रख ली। आहा, अच्छे खासे लग रहे हो, देखे देखे। ठहरो जी, देखने तो दो। तुम यहाँ कैसे आई? आज मैं बहुत खुश हूँ, भला बताओ तो क्या बात हो सकती है? तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था। बड़ी मजे की बात है, तुम तो सोच भी नहीं सकते। अच्छा बाबा हाथ नहीं लगाती, भागते क्यों हो? वो बात बता दूं? मेरी किसी से मंगनी हुई थी। जानता हूं, बधाई हो। कैसे मालूम? मैंने देखा था, मुबारकबाद उस वक्त नहीं दे सका, इसलिए अब दे रहा हूं।
ये तुम क्या कह रहे हो? भाग्यवान हो, बड़ा घराना है और रमेश भी तो अच्छा लड़का है। ये झूठ है, सब गलत है। मेरी मंगनी तुम्हारे साथ हुई है। आशा? हाँ, माँ ने तुम्हारा ही नाम लेकर मुझे टीका लगाया है। माँ, तुम्हें किसने बताया कि मैं कौन हूँ? बड़े बन रहे थे ना, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं सब कुछ जान गई हूँ। तो जो बात रह गई है वो भी जान लो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? जानती हो कि तुम कौन? एक बहुत बड़े घराने की लड़की, और मैं एक नाचने वाली की औलाद, कोठे का तबलची। मैं नहीं मानती। तुमने कभी मेरे बारे में जानना नहीं चाहा। आओ मेरे साथ। देखो, इसे कोठा कहते हैं। यहां जवान लड़कियां पराए मर्दों के सामने नाच नाच उनका दिल बहलाती हैं। और जानती हो मैं क्या करता हूं? उनके साथ तबला बजाता हूं, और जब ये मन चले उनकी अदाओं पे फिदा होकर चांदी के सिक्के फेंकते हैं, तो यूं अदब से सर झुका कर... बस करो, भगवान के लिए बस करो, अब मुझसे सुना नहीं जाता। बस अब जानती हो क्यों तुम्हारा और मेरा मिलाप नहीं हो सकता? हम ठहरे नाचने वाले, गाने वाले, समाज में हम जैसों की और कोई जगह नहीं। इतना भी नहीं जानती? मैं इतना ही जानती हूं, मैं तुमसे प्रेम करती हूं। प्रेम? मुझसे? हाँ, मुझे और किसी की परवाह नहीं। मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। ये झूठ है, सब झूठ है। मेरी कसम खाकर कहो कि तुम उसे प्रेम नहीं करते। रखो सर पे हाथ और कहो कि तुम उसे प्रेम नहीं करते। कहो, कहो ना। कहते क्यों नहीं? तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये मेरे प्रेम का सवाल नहीं, मेरे पिताजी उनके खानदान की इज्जत का सवाल है। आशा, आशा तुम उस घर की अमानत हो, तुम्हें बहू बनकर उस घर में जाना है। आशा, मैंने आज तक जो कुछ भी किया, मैं उसे मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। आशा, मैं चाहता हूं किसी तरह वो घर आबाद हो जाए। मैं उसे रोशनी में जगमगाता हुआ देखना चाहता हूं। लेकिन उस घर के जगमगाने से तुम्हारे घर में तो उजाला नहीं होगा। घर में नहीं आशा, मेरे मन में होगा। यही एक आरजू है जो पूरी हो जाए। ये भी पूरी नहीं होगी अगर मैं उस घर में कभी बहू बन के गई, तो मैं तुम्हारी ही पत्नी बन के जाऊंगी।
कसम तोड़ दे वो। वादे भुला दे कसम तोड़ दे वो, हालत पे अपनी हमें छोड़ दे वो। ऐसे जहां से क्यों हम दिल लगाए, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है बर्बादियों की अजब दास्तां हूं, बर्बादियों की अजब दास्तां हूं। शबनम भी रोए मैं वो आसमां हूं। घर मुबारक हमें अपनी आहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आज मेरे पांव डगमगा गए। मंजिल के इतने करीब लाकर अब कौन सा इम्तहान ले रहे। मां बाप घर बार को छोड़ने की हिम्मत तुमने दी, दुनिया भर के दुख सहने की ताकत तुमने दी। बस अब इतना और कर दो, आशा का मोह मुझसे छीन लो, किसी तरह मुझे उससे दूर कर दो। वो रमेश की दुल्हन बनकर उस घर में जा रही, जिस घर को आबाद देखने के लिए मैंने अपने भाई को धोखा दिया। थोड़ी सी ताकत और दे दो मालिक, कि हंसते हंसते मैं आशा को बहू बनती देख। रमेश, रमेश मेरे भैया। अच्छा तो उस दिन दिया तुमने बुझाया था, मुझे धोखा देने वाले भगवान नहीं तुम थे। अच्छा हुआ भगवान इतना अन्यायी नहीं निकला, उसने मुझे ठीक वक्त पर भेज दिया, वरना तुम्हारा यही प्यारा भैया तुम्हारे दिल से भी खेल जाता। क्या कह रहे हो रमेश, तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो तुमसे घर छीन जाए, मां बाप छीन जाए और तुम्हारा प्यार का गला भी घोट दिया जाए। रमेश रमेश देखो, जिंदगी में इतना कमजोर होने से काम नहीं चलता, हमें तो सच्चाई को जानना चाहिए। क्या मैं इतना मतलबी? मेरे सीने में जो दिल है वो अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता। कौन कहता कि मेरा भाई मुझसे प्यार नहीं करता? तुम जिनके चरण पकड़ने आए मैं उन्हीं चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि जिसका जो हक होगा उसी को मिलेगा। रमेश चाचा जी। रमेश तुम इतनी रात गए यहां कैसे? मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ हाँ कहो। मैं हाँ हाँ चाचा जी मैं कहो क्या बात है बेटा? मैं आशा के साथ शादी करना नहीं चाहता। ओहो जरूर आपस में झगड़े हो, तभी तो कहूं आशा इतनी उदास क्यों है। आओ रमेश सुलह करा दूं। नहीं चाचा जी ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है, क्या मेरी बेटी पसंद नहीं? मैंने आपसे ऐसा भी तो नहीं कहा। ऐसा भी तो नहीं कहा, ये भी नहीं कहा, वो भी नहीं कहा, आखिर बात क्या है? बस मुझे इतना ही कहना था, मैं शादी नहीं करूंगा। रमेश तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, शादी ब्याह कोई गुड़ियों का खेल नहीं कि आज खेला और कल तोड़ा। मैं मजबूर हूं चाचा जी। चुप रहो, मम्मी के वक्त तुम्हारी मजबूरी कहां चली गई थी? पहले इनकार करते। जसवंत कहां है? मैं वो उससे जाकर बात करता हूं। पिताजी से कहने की क्या जरूरत है, शादी मेरे साथ हो रही है और मैं इनकार करता हूं।
तुम शादी नहीं करोगे तो क्या मेरी लड़की घर बैठी रहेगी? ये तुम मुझ पर एहसान नहीं कर रहे थे, मैं तुम पर, तुम्हारे बाप पर, तुम्हारे खानदान पर एहसान कर रहा था। चाचा जी। हाँ हाँ, वो तो हनुमान सिंह ने अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया था। जब सारी बिरादरी ने जसवंत से कहा था कि कोई उसके घर लड़की नहीं देगा, उस वक्त मैंने उसका हाथ थाम लिया था और आज उसी की औलाद मेरी नाक काटने पर तुली हुई है। तुम सब कमीने हो, निकल जाओ यहां से, जाओ। हेलो राजा, मैं बनर्जी नर्सिंग होम से बोल रहा हूँ, समझे कि नहीं? नर्सिंग होम। हाँ हाँ समझ गया, लेकिन ये अस्पताल का क्या मामला है? एक आदमी बुरी तरह से जख्मी हो गया है, तुझे उसे खून देना पड़ेगा। खून देना होगा? अरे किसे खून देना होगा? रमेश तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते? हाँ ओफो, तुम समझता क्यों नहीं यार, तू यहाँ चला आना जल्दी। हाँ हाँ आता हूँ, लेकिन सिस्टर मेरे पिताजी कैसे हैं? डोंट वरी, उनको खून दिया जा रहा है। मिस्टर राजा कल सुबह आप फिर आ जाइएगा, शायद खून की जरूरत पड़े। बेटी मेरा हाथ भी ठीक हो गया। बेटी ठाकुर साहब नफ्स तो देखने दीजिए। ओह आई एम सॉरी डॉक्टर। बेटी मुझे नई जिंदगी मिल गई। हाँ पिताजी। जरूर मुझे किसी ठाकुर ने खून दिया है, ठाकुर का खून ही ठाकुर से मिल जाता है। क्या बात करते हैं ठाकुर साहब, हर इंसान में एक जैसा खून होता है, चाहे वो अफ्रीका की जंगलों में रहता हो या हिमालय की तराई में। डॉक्टर हम सूरजवंशी हैं, हमारा खून हर आदमी से नहीं मिल सकता। ऑल राइट कैरी ऑन कैरी ऑन। पिताजी आप भी हजारों साल की बातें करते हैं, ये साइंस का जमाना है और ये साबित हो चुका है कि हर इंसान में एक जैसा खून होता है। अच्छा बेटी ये बताओ मुझे खून किसने दिया, तू जानती है उसे? जी हाँ। कौन है वो, क्या नाम है उसका? जी हाँ हाँ बोलो। वो वही है पिताजी जिन्हें मैं अच्छा समझ गया, जिसके लिए तू कह रही थी वही ना बेटी? भगवान जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। अच्छा हुआ रमेश ने इनकार कर दिया, अब मैं जसवंत से कहूंगा कि तुम्हारे लड़के से लाख गुना अच्छा लड़का मैं ढूंढ सकता हूं। घबराओ नहीं बेटी, मैं तुम्हारी शादी उसी के साथ करूंगा। लेकिन पिताजी वो भी जसवंत अंकल के बेटे हैं। आशा तुम्हारा मतलब राजा से है? उस नर्तकी की औलाद ने मुझे खून दिया, बुलाओ डॉक्टर को, बुलाओ डॉक्टर को। उन्होंने खून दिया तो क्या हुआ, आपकी जिंदगी तो उन्होंने बचाई है। मैं ये बकवास नहीं सुनना चाहता। आज आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा। आप इन्हें कहा था ना एक ठाकुर का खून ही दूसरे ठाकुर के खून से मिल सकता है। तुम्हारा मतलब? मतलब साफ है पिताजी, उन्हीं के खून से तो आप अच्छे हुए हैं, यहाँ तक कि आपका हाथ भी ठीक हो गया है। जब आपका और उनका खून एक है तो फिर आप उन्हें बराबरी का क्यों नहीं मानते? बोलिए पिताजी जवाब क्यों नहीं देते? मैं समझ गई, आप दुनिया से डरते हैं, समाज से डरते हैं। मैं किसी से नहीं डरता। तो फिर आप सच्चाई को सच्चाई क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं दुनिया वालों को चिल्लाकर कहते कि सब इंसान बराबर हैं? तुमने ठीक कहा बेटी, आज तुमने और डॉक्टर ने मेरी आंखें खोल दी। मैं जिंदगी भर अंधेरे में भटकता रहा बेटी, लेकिन अब मैं नहीं भटकूंगा। कहो ठाकुर कैसे हो? मुझे अभी भी खबर मिली कि तुम नर्सिंग होम में हो, सीधा भागता हुआ चलाया। अरे भाई कैसे गिर गए? ये जाकर अपने सपूत से पूछो। रमेश से? हाँ उसी से, कल आकर उसने इनकार कर दिया कि वो शादी नहीं करेगा। रमेश ने इनकार कर दिया? नहीं बड़े ठाकुर ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। मैंने तुम लोगों को अच्छी तरह पहचान लिया है,
तुम लोग मेरी नाक काटना चाहते थे। जाओ जसवंत, मैंने और लड़का ढूंढ लिया है। ये क्या कहते हो ठाकुर? मंगनी के बाद रिश्ता नहीं टूटा करता, शादी रमेश के साथ होगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ठाकुर साहब, आपसे मिस्टर राजा मिलने आए। जसवंत, ये है मेरी पसंद। ओ, तो तुम इससे शादी करना चाहते हो? तुम जानते हो ये कौन है? मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आशा की शादी इसी के साथ होगी। बड़े ठाकुर तुम। प्लीज ठाकुर साहब, अब आप तशरीफ ले जाइए, इन्हें आराम की सांस जरूरत है। अच्छा डॉक्टर, बड़े ठाकुर तुम बीमार हो इसलिए मैं बहस करना नहीं चाहता, लेकिन तुम कान खोल कर सुन लो, आशा की शादी रमेश के साथ होगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तुम भी सुन लो, आशा की शादी राजा से होगी और जल्द से जल्द होगी। ठाकुर साहब आराम। अरे ये सब क्या हो रहा है? आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार गया। बड़े ठाकुर आशा की शादी मुझसे करना चाहते है? बड़े ठाकुर तुझसे शादी करना चाहते? वाह मारा पापड़ वाले को, मेरे शेर तू इसे हार कहता है? ये तो जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। फौरन कर डाल शादी। समझने की कोशिश करो मामा। कमाल है, हाथ में आए हुए दुश्मन को छोड़ रहा है। अरे बड़े ठाकुर को नीचा दिखाने का यही तो वक्त है और तू पीठ दिखा रहा है। क्या कह रहे हो मामा, सब कुछ जानते हो और ऐसी बातें करते हो? जब तक मैं यहां रहूंगा ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा, मैं शहर छोड़कर चला जाता हूं। ठीक है, जब तू यहां रहना नहीं चाहता तो फिर मैं यहां रहकर क्या करूंगा? तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? चल मैं भी तेरे साथ चलता हूं। सुखिया, सुखिया, गिधारी, न जाने ये सब कहां मर गए। गिधारी आया सरकार। सब लोग कहां गए जी? मालकन कहां? शादी में। शादी में? किसकी शादी? राजा बाबू की आशा बिटिया के साथ। राजा की शादी? राजा की शादी आशा के साथ? तो ठाकुर ने अपनी जिद पूरी कर ली। ये आप क्या कर रहे हैं? हट जाओ गिरधारी, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। हट जाओ। दुनिया से किनारा करने वालों के लिए बनारस सबसे बड़ा तीर्थ। चलो वहीं चल। हाँ, मेरी एक पुरानी शागिर्द मुन्नी भाई वहीं रहती है, खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी। कहीं चलो मामा, यहाँ से भाग चलो। माँ से भाग कर कहाँ जाएगा? बहन जी आप यहाँ? मैं अपना बेटा लेने आई हूं। आज मैं तेरी शादी कर रही हूं और तू भाग रहा है। मां, मां समझने की कोशिश करो, तुम सब पिताजी का दुख क्यों नहीं समझते? वो भी धीरे धीरे मान जाएंगे बेटा। मैं ये शादी नहीं करूंगा। बेटा मां सब तैयारियां हो चुकी हैं और तू इनकार कर रहा है? हाँ, इसलिए कि ये शादी रमेश से होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता, आशा मेरी भाभी है और भाभी से ब्याह के लिए सोचना भी पाप है, शादी तुम्हें करनी पड़ेगी। बेटा जिद मत कर, सब ठीक ही कह रहे हैं। मामा तू ये क्यों नहीं समझता बेटे कि आशा एक शरीफ घराने की बेटी है और एक शरीफ औरत जिंदगी में एक ही दफा किसी को अपना बनाती है। कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता, सब ममता में अंधे हो रहे हैं। जिस बात के लिए मैंने सब कुछ किया उसे यूं ही मिट जाने दो। नहीं मां, तुम कुछ भी कहो मुझे ये शादी मंजूर नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम कुछ भी करो मैं ये शादी नहीं करूंगा, यही मेरा आखिरी फैसला है। तो मेरा भी यह आखिरी फैसला है, आशा की शादी तेरे साथ ही करूंगी, मैंने उसे वचन दिया है, ये मेरी इज्जत का सवाल है। मालकिन, मालकिन जल्दी चलिए नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। क्यों, क्या हुआ? गिरधारी भाई मुंह से तो बोलो, हुआ क्या? बोलना। मालिक बंदूक लेकर बड़े ठाकुर को मारने गए हैं। खून, फांसी, नहीं, राजा।
काफी अच्छा प्रबंध किया। बड़े ठाकुर की घर शादी है। सुंदर जी मालिक, देखो आशा बिटिया तैयार है या नहीं। बहुत अच्छा मालिक, काफी देर हो गई। शादी ब्याह में अक्सर ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ बड़े ठाकुर, अभी तक बारात नहीं आई। बारात नहीं आएगी ठाकुर, अगर बारात आई तो थमन कुंड को मैं खून से भर दूंगा। लो दूल्हे से पहले दूल्हे के बाप आ गए। आओ आओ जसवंत, जबान संभाल कर बात करो ठाकुर, नर्तकी की औलाद मेरी औलाद नहीं हो सकती। लेकिन जसवंत इसका क्या इलाज है, ठाकुराइन तो दोनों को अपना बेटा कहती है। अनाम सिंह, तुम्हारा खून सफेद हो गया है, तुम कोठे वालों से रिश्ता जोड़ सकते हो, मैं नहीं। अभी आंखें खोलो जसवंत, तुम्हारे चिराग से मेरे दिल में रोशनी हो गई और तुम अभी तक अंधेरे में पड़े हो। खून खानदान सब बकवास है जसवंत। दुनिया में पैदा होते वक्त न कोई अच्छा होता है न कोई बुरा, जैसी परवरिश होगी वैसा ही आदमी होगा, और तुम्हारे तो दोनों ही राय। ठाकुर मैं तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आया, मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि आशा की शादी रमेश के साथ होगी। जसवंत जबान पर कायम रहो, ये हमें तय था कि दोनों में से लड़का मैं पसंद करूंगा और मेरी पसंद राजा है। पसंद करने का समय बीत चुका, तुम मुझे और ज्यादा धोखा नहीं दे सकते। जसवंत हद से आगे न बढ़ो। सच्ची बात कड़वी लगती है, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ। कुछ नहीं जानते, ये शादी होगी और जरूर होगी। बिल्कुल ठीक है, ये शादी राजा ही के साथ होनी चाहिए। तुम चुप रहो। क्यों चुप रहे, तुम सच्चाई को डांट से दबाना चाहते हो, हमें भी बोलने का हक है। ओ, हाँ, मैं समझ गया, तो तुम सब कान खोल कर सुन लो, मंगनी रमेश से हुई और शादी भी उसी के साथ होगी, नहीं तो मैं यहाँ खून की नदियां बहाता और तुम खून बहाकर जिंदा वापिस चले जाओगे। हट जाओ धर्म सिंह, ठाकुर लड़की मेरी है जिससे चाहूं शादी कर सकता हूँ, अगर हिम्मत है तो उठाओ बंदूक और चलाओ गोली। हाँ ठाकुर ऐसा ही होगा। पिताजी, क्या करें पिताजी, बताओ जो मुझे पिताजी का। हट जा, अरे कहता हूँ हट जा, हट जा दलील कमीने, मैं कहता हूँ कुत्ते हट जा। मैं आपको नहीं करने, हट जाओ, हट जाओ। शुक्र मालिक का माँ, शुक्र मालिक का, गोली मुझे ले। हम जैसे नीच एक गोली से नहीं मरते, बहुत सख्त जान, एक गोली और मार दीजिए। आप मारना ही चाहती, मुझे मारिए, इन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा, इस फसाद की जड़ तो मैं हूं, मैंने आपको दुख दिया, आपका चैन मैंने लूट रखा है, मुझे मारिए, मारिए ना। मैं नाचने वाली की औलाद हूं, कोटे का तबलची, समाज का सड़ा हुआ अंग, इस सड़े हुए अंग को काट दीजिए, काट दीजिए इस सड़े हुए अंग को, इसमें कोई पाप नहीं है, समाज की भलाई है, मारिए, मारिए ना पिताजी। इससे बड़ा आपका क्या अपमान हो सकता कि भरी महफिल में नाचने वाली की औलाद एक ठाकुर को अपना पिता कर। मारिए पिताजी, मारिए पिताजी, मारिए पिताजी, मारिए ना पिताजी। राजा, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, तुझ पर मैंने बहुत जुल्म किया, मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे, आज तूने मेरी आंखें खोल दी, आज मुझे पता चला खून कुछ नहीं, जो कुछ है परवरिश।
बेटा आज से तुम दोनों मेरे बेटे हो। तुम दोनों को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। वाह ठाकुर, जवाब नहीं है तुम्हारा। आखिर मेरा लड़का हजम कर ही गए था। खैर मुझे कोई गम नहीं, दोनों दीपक तुम्हारे ही घर में जल रहे हैं। अच्छा अच्छा बाकी भैया, भैया बाकी भैया, कहाँ जा रहे हो बाकी भैया? वहीं जहाँ तुम्हारे समाज ने मेरे लिए जगह बना दी है। तुम्हारे इस मंदिर में मुझ जैसे विरासी का क्या काम? नहीं नहीं बाकी भैया, तुम विरासी नहीं हो, तुम मेरे भाई हो। आज मेरी आंखें खुल चुकी हैं बाकी भैया। ठाकुर बाकी ठाकुर ठाकुर बड़े ठाकुर से तो पूछ लो, कहीं तुम्हें भी मेरे साथ ही ना चलना पड़े। बाकी मुझे और शर्मिंदा ना करो बाकी। ऐसा तो फिर मेरी बहू कहाँ है? हमारे ठाकुर जाओ जाओ बहू रानी को तो लेकर आओ। चलो बेटी। उठो बेटा उठो बेटा उठो। क्यों भाभी?